हेलो गाइस, दिस इज़ मी अमंग। उसके बाद से आप लोगों को मेरा टाइटल से मालूम हो गया होगा ये वीडियो किसके ऊपर है। तो गाइस, ये जो मैटर है, जो वीडियो से उसके कमेंट में बोला जा रहा था कि सामुएल संगमा उसके बाद रोसी के ऊपर वीडियो बना लो, बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा था। लेकिन मुझे ये मैटर पूरा क्लियर नहीं था, मैंने सुना था लेकिन इतना मैटर पूरा मालूम नहीं था। तो मैं बहुत दिनों से मैं देख रही थी इस मैटर के ऊपर। उसके बाद से यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में मैंने देखा है, तो उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। तो ये मैटर अभी मुझे पूरा समझ में आ गया है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आज बना रही हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, जो रोज़ी संगमा है और जो सामुएल संगमा है, रोज़ी का जो बॉडी था उसमें थोड़ा उसको पेन हुआ था, तो उसका वजह से उसको मेडिकल एडमिट किया गया था, जो गुरुग्राम का मेडिकल है वहाँ में। वो लोग हरियाणा में रहता था। तो सामुएल संगमा को जो है डॉक्टर्स ने बोला है कि कुछ मेडिसिन लेके आओ, तो वो चला गया मेडिसिन लेने। तो जब मेडिसिन लेके वो वापस आए, तो वो देख रहे कि डॉक्टर्स लोग जो हैं आईसीयू में, जो उसका आंट था, जो रोसी था, उसको आइसक्रीम खिला रहे। तो वो उसका एगेंस्ट में बोला है कि ऐसे जो आईसीयू में पेशेंट हैं उसको वो लोग कैसे आइसक्रीम खिला सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। इस बारे में जो जितना भी कन्वर्सेशन हुआ डॉक्टर्स के साथ, जितना भी मैटर है, उसने उसे फ़ोन पे कैप्चर किया है। तो लास्ट में मैं वीडियोस दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जब वो वापस आया तो देखा है कि रोज़ी को आइसक्रीम खिला रहे। तो उसका एगेंस्ट में वो बोला है कि वो एक आईसीयू में बैठा वाला पेशेंट को वो लोग कैसे आइसक्रीम खिला सकते हैं। और आईसीयू में जो रोज़ी था उसको आइसक्रीम खिलाने का तुरंत बाद उसका डेथ हो गया। तो इसका एगेंस्ट में आवाज़ उठा रही है सामुएल संगमा जो। तो डॉक्टर से उसका हाथापाई भी होता है, डॉक्टर उसको स्लैप भी करता है। वीडियो में इतना क्लियर से नहीं है लेकिन शायद उसको स्लैप करता है, वो दोनों का बीच थोड़ा वो हो जाता है। तो आप लोग वीडियो में दे सकते हैं। तो मेरा तरफ से मैं यही बोलूँगी कि जितना भी नोटिस पेपर है, उसके बाद नागालैंड के जो भी लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, लीडर्स हैं, सब लोग साथ मिल के आना चाहिए। ये नोटिस, ये जो सामुएल संगमा के साथ हुआ है और ये जो रोज़ी के साथ हुआ है, ये किसी और के साथ भी हो सकता है, हम लोगों के साथ भी हो सकता है बाहर जब हम लोग जाएँगे। तो ये मैटर जो है बहुत सेंसिटिव है, सबको साथ मिल के ये मैटर को आगे ले जाना है और जस्टिस दिलाना है सामुएल संगमा और रोज़ी को। जो सामुएल संगमा है, जिन्होंने ये वीडियो बनाया है पूरा, वो भी सुसाइड कर लेता है। और उस लोग का पेरेंट्स का बोलना है कि वो जो लड़का अपना आंट के लिए इतना लड़ना चाहता था, वो कैसे सुसाइड कर सकता है, उसका पेरेंट्स का बोलना है। तो पेरेंट्स बता रहा था कि उसका दांत, उसके बाद बॉडी में भी चोट का निशान है। तो चोट ये सब देख के हम लोगों को नहीं लगता है कि ये सुसाइड है। तो हम सभी को एक साथ ऐसे छूट के, तो सभी को साथ में मिलकर इस लड़ाई में साथ देना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। आज सामुएल संगमा के साथ हुआ है, रोज़ी के साथ हुआ है, तो आने वाला समय में किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह के फिर से घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों को साथ मिलकर लड़ना चाहिए और जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। वी ऑल वांट जस्टिस फॉर लेट सामुएल संगमा एंड वो संगमा। सो आप लोग भी साथ दीजिए, वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि जो कल्प्रिट्स है उन लोगों को, उनका जो पनिशमेंट है, जो भी सजा है, उस लोगों को मिलना चाहिए। तो नागालैंड का जितना भी मिनिस्टर है, लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, सब लोग ये मैटर को देखना चाहिए। उसके बाद से हम लोगों का साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए। हम लोग इसके पीछे जो भी सच्चाई है हम लोग जानना चाहते हैं। तो वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए और एक्चुअल में हुआ क्या था उन लोगों के साथ, वो भी हम लोगों को पता चले। तो लेट्स फाइट टुगेदर फॉर लेट सामुएल संगमा एंड रोज़ी संगमा। वी ऑल नोटिस पीपल वांट जस्टिस फॉर लेट सामुएल संगमा एंड रोज़ी संगमा। आपका भरोसा ऐसा कुछ नहीं है तो आइसक्रीम क्यों खिलाया? आइसक्रीम क्यों हम लोग उस क्यों मंगाने दिया? आइसक्रीम, आइसक्रीम ऑरेंज क्यों नहीं खिलाते? आप बोला आइसक्रीम ऑरेंज खिलाने से कोई बात नहीं है ना, सफेद खिलाने से कोई बात नहीं। लेकिन हमें नहीं पता कि वो पहले से कुछ खाती है या नहीं खाती। कुछ नहीं खाती, बदनाम मत दो, चेक कर लो। आपका आपका प्रॉब्लम ही है। बाहर चलिए।
ऐसे क्यों गुस्सा रहा है? आप डॉक्टर को कैसे करेगा? This is private. मारेगा आदमी को चलो वेट मारना मुझे ना मारना नहीं नहीं तो कैमरा में सब रिकॉर्डिंग ठीक नहीं चला गया तो पेन जाने के बाद में उन लोग बोला है कि ये शाम तक ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है, नॉर्मल है। ऐसे बोल के बैठा है तो भाई जो उसका बड़ा भाई है अल्बर्ट और संगमा, वो क्या किया, वो खाने के लिए चला गया। बोला लड़का सामुएल को, उन लोग बोला थोड़ा मेडिसिन लेके आओ क्योंकि वो बाहर चला गया। आगे देखा है तो वो आइसक्रीम खा रहा था, हॉस्पिटल वाला लोग ला के हॉस्पिटल स्टाफ वाला लोग उसको आइसक्रीम दिया, रोजी को दिया आइसक्रीम खाने के लिए। तो मेरा जो उसका भाई है, बड़ा भाई है अल्बर्ट, वो आइसक्रीम को फेंक दिया। पे क्यों आप लोग आइसक्रीम खिला रहे हैं? तो ये आइसक्रीम खिलाने का राइट नहीं है, आप लोग आइसक्रीम खिलाया तो उसका बाद में, वो आइसक्रीम खाने के बाद में बहन तो पूरा सीरियस हो गई, तो उसको तो फोमिंग निकल रहा था, आवाज़ भी नहीं निकला, बहुत सीरियस हो गई। तो इसका वजह से फिर सामुएल गुस्सा से वीडियो बनाना शुरू कर दी, लाइव वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाने में हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसको पीछे से मारा है, उसका वीडियो भी छीनने की कोशिश किया। तो डॉक्टर का हाथ में जो एक तो डॉक्यूमेंट था वो मांगा है, उसको दिखाओ बोला है, लाइव वीडियो में पूरा दिखा रहा है वो, तो उन लोग नहीं दे रहा है, डॉक्यूमेंट को लुका दिया। तो ऐसा करके आंटी को देखा तो थोड़ा बाद में आंटी सीरियस हो गया, अल्बर्ट देखा है तो मर गया वो। तो ऐसा करके हॉस्पिटल वगैरह से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होने के बाद में उन लोग इमीडिएटली मोर्चुरी वैन को बुला दिया। तो मोर्चुरी वैन को क्यों उन लोग बुलाएगा, फैमिली आदमी को नहीं पूछ के मोर्चुरी वैन बुलाने का राइट भी नहीं है उन लोगों। तो उसमें देती देर सम फॉल प्ले, घर पर कुछ है इसलिए उन लोग ऐसा किया। तो वीडियो भी बंद कर रहा था, पेपर भी नहीं दिखा रहा था, कागज नहीं दिखाने का मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं होने से, सच होने से उन लोग कभी नहीं करेगा। तो ऐसे करने के बाद में तो जब वैन आया, मोर्चुरी वैन, हमारा वो साला अल्बर्ट वो उसको रिकॉर्डिंग किया, बुलाने को बोला है वीडियो में, आप लोग अगर बॉडी लेके जाएगा तो हम लोग उसको वायरल कर देगा। हम लोग हमारा वैन को यहाँ मार दिया है, हम लोग जब तक पुलिस नहीं आएगा नहीं कर जाने नहीं देगा। तो वैन वाला लोग बोला है ठीक है नहीं नहीं जाएगा हम लोग आप लोग पर। 25 मॉर्निंग में भी सामुएल हमको डिप्रेस था, मन दुख था, ऐसा ऐसा हुआ है, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल, हमको 5:30 में फ़ोन किया। तो 5:30 में फ़ोन किया है तो बोला है हमारा आंटी को इन लोग मार दिया, आइसक्रीम खिलाया, सीरियस कर दिया, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल को, केस हम लास्ट तक अकेला होने से भी करेगा। तो ऐसे बोलने के बाद में फिर मम्मी के साथ भी बातचीत हुआ। तो मम्मी के साथ बात होने के बाद में भी मम्मी को भी बोला है ऐसे ऐसे है, ऐसा हम तो नहीं छोड़ेगा। तो ये लड़का इतना फाइट करेगा बोलने वाला लड़का, फिर एक घंटा आधा घंटा का बाद में उसका खबर नहीं मिल रहा था। तो हम लोग को फ़ोन कट ऑफ हो रहा था। तो उसका मम्मी कॉन्टेक्ट किया उसका दोस्त लोग के साथ में, दोस्त लोग जाके फिर रूम में उसका देखने की कोशिश किया, तो जाके देखा तो हैंग हो गया था, तैसा करके खबर दिया। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जो लड़का इतना फाइट करना चाहता था उसका उसको हैंग कैसे हो गया, सुसाइड केस बोल रहे। लेकिन हम लोग यहाँ जब बॉडी लाया, उसका बॉडी में पूरा इंजुरी मार्क्स है, उसका दांत भी टूटा हुआ है, उसका फेस भी फुला हुआ है, लिप्स भी तोड़ के रखा है, पैर में भी इंजुरी है। एक सुसाइड केस में ऐसा इंजुरी मार्क्स नहीं होता, हम लोग भी जानते हैं। तो ये हम लोग जानता है ये मर्डर केस है। तो हम लोग चाहते हैं नागालैंड गवर्नमेंट हो, इंडिया गवर्नमेंट हो, और एनजीओस लोग है, स्टूडेंट यूनियन लोग, सब आप लोग प्रेशर दीजिए
इनका ऊपर जी, ताकि हमारे लड़का को जस्टिस मिले कि हम लोग ये मर्डर केस है बोल के हम लोग पूरा फुली हम लोग डाउट है, हम लोग नहीं चाहता ये सुसाइड केस है बोल के आप लोग क्लोज कर देगा, केस खत्म कर देगा। जस्टिस मिलना चाहिए रोजी आर संगमा को भी, जस्टिस मिलना चाहिए समल को भी, जस्टिस मिलना चाहिए।